वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कराची, बारिश के 22 मंसूख, इमरान खान को विफाकी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जानी थी। सखी हसन 5 स्टार के डीए फ्लाई ओवर, निश्तर रोड और मंगूफी रोड की बहाली मंसूबों का इफ्तिताह करना था। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से हल्की और तेज बारिश जारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा, पहाड़ों पर बर्फबारी, नदी नालों में तुगयानी, जल थल एक हो गया। नौशहरा के नवाह में बारिश के 22 घर की छत गिर गई, दो बच्चे जां बहक, 9 अफराद जख्मी, 4 सदा में छत गिरने से बच्ची दम तोड़ गई, 3 अफराद को चोटें आई। पीएसएल में आज 2 मैच, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जलमी दिन 2 बजे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मध्य मुकाबले होंगे। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स शाम 7 बजे कजाफी स्टेडियम लाहौर में टकराएंगे। मैच बारिश के 22 मुतासर होने का खदशा। मकबूजा वादी में जिंदगी को कैद हुए 216 रोज निहत्ते मजलूम कश्मीरी बेयारों मददगार, मोदी सरकार मजालिम थाने में मसरूफ, आलमी बिरादरी की जानिब से मुजरिमाना खामोशी का मजाहरा। शाही खानदान के 3 सीनियर अराकीन सऊदी हुकूमत की हिरासत में, शाह सलमान के छोटे भाई भी शामिल, गिरफ्तारी की वजूहात सामने न आ सकी। और कोरोना वायरस का खौफ, वायरस फैलने के पेशे नजर रैलियों और कन्वेंशन को महदूद किया जाने लगा। अमेरिका में सदारती इंतखाबात, अमल मुतासिर होने का खदशा, बजरिया डॉक वोटिंग के सिलसिले को तौसी दिए जाने का इम्कान। अस्सलामु अलैकुम, यह है सच न्यूज और मैं हूं महनूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी, खबर दें आपको। वजीर आजम इमरान खान का कराची का दौरा मनसूख हो गया, मौसम की खराबी के 22 दौरा मनसूख किया गया। वजीर आजम ने शहर कायद में कराची पैकेज के तहत मनसूबों का इफ्तिताह करना था। आपको बताया वजीर आजम इमरान खान का कराची का दौरा मनसूख हो गया, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ऑन शेराजी से। जी ऑन, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल मानूद, देखिए वजीर आजम इमरान खान ने आज एक रोजा दौरे पे कराची जाना था। वहां पे उन्होंने जो वफाक की जानब से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उनका इफ्तिताह करना था, और इस दौरे की दावत जो उन्हें थी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने 4 दिन पहले जो मुलाकात वजीर आजम से की थी उसमें उन्हें दावत दी थी और उन तमाम प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी थी जिनका इफ्तिताह वजीर आजम इमरान खान ने करना था। तमाम इस्लामाबाद का मौसम जो है वो इस वक्त सख्त अबर आलूद है, बारिश भी हो रही है और आसमान जो है वो बादलों से ढका हुआ है, तो वजीर आजम इमरान खान की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि जो एयर फिजा का सफर है वो किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है, इसलिए ये जो वजीर आजम हाउस के हमें जराए बता रहे हैं कि ये तय किया गया है कि वजीर आजम इमरान खान आज जो है वो कराची नहीं जाएंगे, उसके बाद किस तारीख को वो कराची जाएंगे इस हवाले से उनके शेड्यूल जो है वो तैयार किया जा रहा है। जी चीफ रिपोर्टर ऑन शेराजी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पीडीएमए ने केपीके में हालिया बारिशों में जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी, अब तक 11 अफराद जान बहक जबकि 22 जख्मी हुए हैं। आपको बताएंगे पीडीएमए ने केपीके में हालिया बारिशों में जानी नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी है, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ऑन शेराजी से। आपको बताएं कि पीडीएमए ने केपीके में हालिया बारिशों में जानी नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी है, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अदनान शाहिद से। जी अदनान आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 3 रोज से बारिश का सिलसिला जो है वो वक्त से जारी है। तमाम सूबे भर में हालिया बारिशों के नतीजे में पीडीएमए ने जो है वो रिपोर्ट जारी कर दी, और रिपोर्ट के मुताबिक अब तक तकरीबन 12-27 जो है वो जख्मी हुए हैं, जबकि शाहिद हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
सच न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद न्यूज अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए सच टीवी.पीके और देखते रहिए सच।